तो पहले जो है यहाँ पर मैंने टमाटर को जो है 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया है और इसका जो है छिलका उतार के काट लिया है और इसको मैं भी मिक्सी में डाल रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। उसके साथ मैं यहाँ पर कुछ लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। उसके साथ डालूँगी मैं 2 हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से डालिए मिर्च, आपको कितना तीखा पसंद है। मैं बस 2 ही डालूँ क्योंकि ये मिर्ची जो है बहुत तीखा होता है। और साथ में जो है मैंने यहाँ पर थोड़े से तुलसी पत्ते भी डाल दिए हैं, इसका भी फ्रेग्रेंस जो है बहुत अच्छा आता है इसमें। बस इसको पीस लेना है अभी। और यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई चला दिया था, कढ़ाई गर्म हो गया है। अभी यहाँ पर 1-1.5 स्पून तक मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं तेल के साथ। और इसके बाद यहाँ पर जो है मैंने प्याज काट लिया था और प्याज को जो है इतने बड़े बड़े पीस में कट कट करना है, तो इसको टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तेल गर्म होने के बाद मैंने जो है यहाँ पर लहसुन डाल दिया है, लहसुन के पीसेस करके मैंने यहाँ पर लहसुन डाल दिया है और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर प्याज भी डाल दूँगी। और इसको जो है बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट पिंक होने तक। और यहाँ पर जो हो गया है रेडी बिल्कुल। और हमने जो पेस्ट बना लिया था टमाटर का, उसको भी डाल देना है कढ़ाई में। और अभी जो है मैं साथ साथ इसमें सब्जियां भी डाल दूंगी। और सब्जी में मैंने डाला है यहाँ पर मशरूम डाला है, कैरेट डाला है, कैप्सिकम डाला है। और इस सब सब्जी को जो है बड़े बड़े पीसेस में काटना है, छोटे छोटे पीसेस में बिल्कुल गल जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सब्जी का कोई टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। तो सब मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है, मशरूम, कैप्सिकम, फिर कैरेट, सबको बड़े बड़े लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। सब्जी को मिक्स करके थोड़ा सा नमक डाल के और बस इसको ढक के थोड़ी देर तक पकाना है, और ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, थोड़ा सा ही बॉयल करना है। और पानी मत डालिएगा बिकॉज़ हमने मिक्सी करने के टाइम भी थोड़ा सा पानी डाला ही होगा और मशरूम जो है बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। और यहाँ पर सब्जी जो है पक गया है, बहुत ऑलमोस्ट पक गया है, थोड़ा सा पानी सूखेगा तो बस पास्ता डाल देंगे। और यहाँ पर पास्ता जो है मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, और यहाँ पर मैं 2 टाइप का पास्ता डाल रही हूँ, जो कर्ल वाला है और स्ट्रेट वाला जो लंबा लंबा आता है, वो दोनों पास्ता मिक्स करके बना रही हूँ और बस इसको डाल के मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाला है, उसके बाद मैं थोड़ा सा विनेगर डालूंगी और फिर जो है ओरिगेनो डालना है इसमें, और साथ में अगर आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और बस रेडी हो गया हमारा पास्ता।